शासकीय दाखिला शिविर मुंबई कांग्रेस वार्ड क्रमांक 139 की जनता के लिए एक बड़ी राहत। शासकीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को इस कार्यालय से उस कार्यालय चक्कर काटने पड़ते थे। डॉक्टर सत्तार खान ने लोगों की इस समस्या का समाधान हेतु शिविर का आयोजन कर जनता को बड़ी राहत पहुंचाई। पूरे दिन लोगों की भीड़ बड़ी तादाद में उमड़ी। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज 24। आज यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और लोकल वास्तव्य का दाखिला और सीनियर सिटीजन कार्ड ये ऑन द स्पॉट बना के हम दे रहे हैं। इससे लाभ ये होगा, उत्पन्न का दाखिला में बच्चों को फीस माफ़ी होगी और यदि कोई विधवा महिला है, अपंग व्यक्ति है, उनको पेंशन भी चालू हो सकती है। डोमिसाइल माने के आप यहाँ के भारतीय नागरिक हो, सिटीजनशिप वाला ये फॉर्म है, बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा CNR बीच में निकला था तो कई लोग यहाँ वहाँ प्रूफ के लिए दौड़ रहे थे। और स्थानिक वास्तव्य का दाखिला जो 15 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं, किसी को अगर रिक्शा का बैच निकालना है, बस का बैच निकालना है या किसी विधवा महिला को पेंशन शुरू करना है तो ये वास्तव्य के दाखिले की ज़रूरत पड़ती है। और सीनियर सिटीजन के लिए आई कार्ड रहता है जिससे अभी ST में 75 साल वाले को फ्री किया है। 65 साल वाले जो होते हैं तो उनको आधा टिकट लगता है या बैंक अकाउंट अगर खोलेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। ये सारी सुविधाएं होती है और महाराष्ट्र में रहना है तो ये सब सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, इनके निर्देश के अनुसार हमारे जो कार्याध्यक्ष है चरण सिंह सपरा जी, जिलाध्यक्ष है रॉयमणि जी और यहाँ के नेता जो है वसीम जावेद खान, इनके मार्गदर्शन के अनुसार हमने ये शासकीय दाखिला वितरण का शिविर लगाया था और करीब करीब 250-300 लोगों ने अब तक के सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक इसका वक्त है अब तक लाभ लिया है। आगे क्या कार्यक्रम करेंगे? इसके बाद ऐसे पूरे मानपुर शिवाजनगर विधानसभा क्षेत्र में ये प्रोग्राम लगाएंगे और कास्ट सर्टिफिकेट खास करके कई लोगों को पता नहीं, कुरैशी समाज है या आपको बताओ OBC समाज है, अंसारी है, उनको बेनिफिट जो रहता है कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के बाद मिलता है वो उनको पता नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी हम कैंप लगाने वाले हैं।